हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाज लवली किचन। आज हम बनाएंगे उपवास के लिए, व्रत के लिए सुरन की सब्ज़ी। ये सुरन की सब्ज़ी जल्दी से बन जाती है, तो चलिए देखते हैं उपवास के लिए सुरन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इधर मैंने 200 ग्राम सुरन लिया है। सुरन को पील करके देखो, इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके धो के लिया है। 2-3 कटी हुई हरी मिर्च, मूँगफली को देखो इसी तरह से भून के पीसा है। लेमन जूस 1 चम्मच, थोड़ा गुड़, टेस्ट के लिए नमक और 1 चम्मच घी। तो चलिए सुरन की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस के ऊपर मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। जैसे ही घी गरम होने लगा, हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। भूनते हैं हरी मिर्च को 1-2 मिनट। देखो इसी तरह से ये हरी मिर्च भून के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे इस सुरन। सुरन को मैंने कट करके धो के लिया है। मिलाते हैं सुरन को। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए थोड़ा नमक, लेमन जूस और गुड़। गुड़ को तोड़ के डालेंगे। मैंने लेमन जूस और गुड़ डाला है। आपको लेमन जूस गुड़ पसंद है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। आप इसमें गुड़ इमली भी डाल सकते हो। मिलाते हैं इन सारी चीज़ों को। पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहना है। तो चलिए सुरन को 10 से 12 मिनट बिल्कुल धीमी गैस पर पकाते हैं। देखो इसी तरह से ये सुरन की सब्ज़ी बनके तैयार है। देखो सुरन कितनी अच्छी तरह से पक गई है। एक बार इसे मिक्स करते हैं। देखो इसी तरह से स्पून से दबाते हैं तो सुरन टूट जाता है। बिल्कुल आलू की तरह ये सुरन पक जाता है। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई मूंगफली। मिलाते हैं मूंगफली को और 1 मिनट इसी तरह से ही पकाएंगे। देखो इसी तरह से सुरन की सब्ज़ी बनके तैयार है। चलो इन सुरन की सब्ज़ी को सर्व करते हैं। देखो इसी तरह से सुरन की सब्ज़ी बनके तैयार है। लीजिए इसी तरह से गर्मा गर्म सुरन की सब्ज़ी उपवास के लिए, नवरात्र के लिए बनके तैयार है। आप इसे नवरात्र के दिन भी बना सकते हो और जब भी उपवास होता है, व्रत होता है, तब भी आप इसे बना के खा सकते हो। सुरन की सब्ज़ी को समा का चावल, राजगिरा की पूरी, रोटी के साथ खाया जाता है और ये ऐसे भी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आप भी जरूर इसी तरह से इस नवरात्र में उपवास के लिए सुरन की सब्ज़ी बनाइए, खाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत ही पसंद आएगी मेरी ये आज की रेसिपी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।